तो हम अब आते हैं इसके टेस्टिंग की ओर। तो ये देखिए, ये अच्छे से वर्क कर रहा है। देखिए, आपके सामने लाइव टेस्ट हो रहा है। ये देखिए, कोई भी फेक वीडियो नहीं है, आपके सामने लाइव हो रहा है। अब देखिए ध्यान से, एक बार फिर से देखिए अच्छे से। ये देखिए, तो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर एसपी टेक यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में बनाने वाले हैं स्मार्ट लैंप। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, वैसा ही आज हम स्मार्ट लैंप बनाने वाले हैं। तो चलिए, देरी न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो गाइज, सबसे पहले आपको ऐसे तीन लकड़ी के टुकड़े लेने हैं। इन लड़कियों के टुकड़ों, मतलब लकड़ी के टुकड़ों को कुछ इस प्रकार काटना है। और मैंने इनमें वाइट पेंट किया है, आप इनमें कौन सा भी पेंट कर सकते हैं अपने मुताबिक। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। और समझा तो हो आपको ये लैम्प कैसे रहने वाला है। तो सबसे पहले ये वाला बड़ा वाला पीस ले, छोटा वाला पीस मतलब कि ये इसके ऊपर और ये इसके, ऐसा है रहने वाला है हमारा लैम्प। ये देखिए, इसका कुछ इस तरीके से डायग्राम रहने वाला है। और चलते हैं अभी हम आगे। और मैंने ये जो अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये हमें दो लव चुंबकों की ज़रूरत है, छोटे छोटे। तो आप अपने लव चुंबक, मतलब कि अपने नहीं यार, इसमें से दो लव चुंबक निकालने हैं आपको, यहाँ से मिल जाएंगे। ये सीडी प्लेयर होता है, इसमें से छोटे छोटे आपके, मतलब इसके लव चुंबक निकल जाएंगे। तो ये कुछ इस प्रकार है लव चुंबक। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो मैंने बनाया है, ये लकड़ी का टुकड़ा है। अभी मैं आपको बताता हूँ ये कैसे बनाना है। तो सबसे पहले आपको ये एक लकड़ी का टुकड़ा लेना है, छोटा सा। और ये इसमें मैंने छोटा सा होल कर दिया। ये पीछे मैंने जो रस्सी लगाई हुई है, उसमें मैंने तांबे की तार डाली हुई है। आप समझ सकते हैं, तार मतलब इलेक्ट्रिसिटी करंट को फ्लो करने के लिए मैंने वहाँ डाली हुई है। या छोटे छोटे मैं टुकड़े डाल दूँगा तार के, और ताकि लव चुंबक को थोड़ा करंट मिल सके। और वो कनेक्ट होने के बाद, एक दूसरे से कनेक्ट होने के बाद, उनमें स्विच की तरह काम चल सके। तो ये कुछ इस प्रकार है। ऐसे आपको दोनों दो बनाने हैं। और ये मैंने लव चुंबक को चिपका दिया है। इसके बाद ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये 2000 mAh की बैटरी मैंने लिए है इसे चलाने के लिए। ये आपके घर में ये पट्टी मिल जाएगी इलेक्ट्रिसिटी फिट करते वक्त। और ये जो सॉकेट है, ये मैंने चार्जिंग सॉकेट लगाया है। ये छोटी सी LED आप ये यूज़ की है मैंने। अभी मैं आपको ये पीछे का दिखा देता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं, ये कनेक्शन बहुत इजी है, आपको ये समझ में आ जाएगा ये कनेक्शन कैसे करना है। ये मैंने बैटरी के प्लस माइनस निकाल दिए हैं। और ये देखिए, यहाँ से मैंने इस कुछ इस प्रकार इसका कनेक्शन किया है। बहुत ही इजी है ये कनेक्शन करना, आप आसानी से आप इसे कर लेंगे। मैंने भी आसानी से इसको किया है, आपको ध्यान से दिखा रहा हूँ, आपको ये देखना है अच्छे से। और अगर आपको नहीं समझ में आए तो वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार है। ठीक है, और अब हम आगे चलते हैं। ये उसके बाद आप जो ये LED देख रहे हैं, ये मैंने रेड वाली LED ली है। आप इसमें वाइट वाली LED लेना, मेरे पास अवेलेबल नहीं थी इसलिए मैंने रेड वाली यूज़ की है। और ये जो आपको मैंने वीडियो में अभी बनाकर दिखाया था, ये दो बनाने थे अपने को, तो ये मैंने दो बनाए हैं। तो ये अपने वर्क कर रहे हैं अच्छे से, मैंने चेक कर लिया है। अभी हम इस लाइट को उस टुकड़े पे, मतलब कि लकड़ी के टुकड़े पे हम लगाने वाले हैं। तो कुछ इस तरीके से हम इसे लगाने वाले हैं। आप देखिए कुछ इस प्रकार, ये देखिए, जैसे आपको यहाँ सेट कर देना है। कुछ इस तरीके से हमको उसे सेट करना है, ये देखिए। और अभी मैं इसमें ग्लू गन को, मतलब कि फेवी को भर दूंगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी बटन को ऑल पे सेट कर दीजिए,
और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक करना ना भूल। अभी हम इसे थोड़ी देर के लिए धूप में सूखने के लिए रख देंगे। कुछ 2 घंटे बाद ये अच्छे से सूख गया है, आप देख सकते हैं। तो ये अभी यूज़ करने के लिए रेडी हो चुका है, अभी हम इसे लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ ऐसे नट से यहाँ पे ऐसे नट लगाकर ऐसे इसे कस दूंगा, आपको भी ऐसा ही कसना है। इसके बाद ये हो गया हमारा लैंप रेडी, लगभग आधा हमारा लैंप रेडी हो चुका है। अभी ये दूसरा वाला जो है हमें यहाँ लगाना है, तो मैं इधर इसको लगाने वाला हूँ। कुछ इस प्रकार ये चिपक जाएंगे दोनों आपस में, तो मैं इसे या वायर को कनेक्ट कर दूंगा। ये देखिए मैंने इसे कनेक्ट कर दिया है। अच्छे तरीके से देख तो आते हैं बैटरी की ओर। तो बैटरी का कनेक्शन बहुत ही इजी है, अभी हम करके देंगे। तो बैटरी का प्लस वाला और लैंप का प्लस वाला पॉइंट हम इनमें कनेक्शन कर देंगे कुछ इस तरीके से। और अब लैंप का माइनस वाला पॉइंट और बैटरी का माइनस वाला पॉइंट इन दोनों को हम कनेक्शन कर देंगे। बहुत ही इजी है इसका कनेक्शन करना, बस आपको समझ में आना चाहिए। और अब मैं इसे यहाँ पे इन वायर को अच्छे से, तो यहाँ कुछ इस प्रकार इसे ऐसे सेट कर देना है, ये अच्छे से फिट हो जाता है यहाँ पे कुछ इस तरीके से। और लगभग हमारा लैंप रेडी हो चुका है। अब हम आते हैं इसके टेस्टिंग की ओर। तो आपको पहले दिखा दूँ कि कोई भी ये वीडियो फेक नहीं है, ऐसी कि आप देख रहे हैं आपके सामने मैंने बनाया, ये देखिए पूरा का पूरा आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। अभी हम इसके टेस्टिंग की ओर आते हैं। तो ये देखिए ये कनेक्शन कर दिया मैंने, ये देखिए अच्छे से वर्क कर रहा है, ठीक है। आपको अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी बटन को ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि हमारे ऐसे ही नए एक्सपेरिमेंट वीडियो आपके पास जल्दी से आ सके। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना और वीडियो को लाइक करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।